चलो दोस्तों ना, आज कुछ बड़ा हो जाए यार। पिछले कुछ दिनों से ना मैं बहुत ही छोटी छोटी वीडियो है ना, कम क्वांटिटी में वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों को मुझे लगता है पसंद नहीं आ रही। तो आज चलिए, भावनगरी की सेब की वीडियो है। 10 किलो का ये मेजरमेंट है और इसमें सब प्रकार का मेजरमेंट मैंने दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही काम की है। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, भावनगरी की सेव बना रहे हैं दोस्तों, सॉफ्ट मुलायम और एकदम खस्ती सेव। तो इसके लिए हमने 10 किलो नॉर्मल बेसन लिया है, घर का पिसा हुआ बेसन भी आप ऐड कर सकते हैं, 100 ग्राम पापड़ खारा और 300 ग्राम नमक, 20 ग्राम हमने इसके अंदर अजवाइन को ऐड किया है दोस्तों। ये सब मसाले आपको ऐड करने हैं। अब हम इसके अंदर इसका आटा लगाएंगे। तो इसके लिए हम 4 लीटर पानी और 4 लीटर इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको 200 ग्राम, 1/4 किलो, 1 किलो, आधा किलो, 10 किलो, 5 किलो, 50 किलो, जितना भी मटेरियल का माल बनाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी प्रकार का मेजरमेंट लिख रहा हूँ। वहाँ से पढ़कर आप जितना मेजरमेंट चाहिए वहाँ से आप देखकर बना सकते हैं। तो अब हम 4 लीटर पानी और 4 लीटर ही पानी लेकर इसका बैटर तैयार, डो तैयार करेंगे। डो सॉफ्ट डो तैयार करना है आपको। तो दोस्तों, अब हम इसका डो तैयार कर रहे हैं। डो ज़्यादा घट नहीं होना चाहिए और पानी एक साथ में ना ले, थोड़ा थोड़ा पानी ले, ताकि इसके अंदर कोई गुटली या गांठ ना बंधे और एकदम सॉफ्ट डो तैयार हो सके। तो अब इसका डो तैयार कर रहे हैं। और अगर आपको कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो दोस्तों, व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, हमने डो तैयार कर दिया है, सॉफ्ट डो। अब हम इसकी भावनगरी सेव बनाएंगे। तो उसका जारा देखिए, तो हम यहाँ पर ये वाला जारा यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, हमने आटा पूरा इसके अंदर इसके ऊपर रखा है जारे पे, और अब हम इसका सेव बनाएंगे। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, हम बड़ी कढ़ाई में बना रहे हैं, तो कढ़ाई के अंदर हमने जारा रखा है। आप छोटी कढ़ाई में या घर पर बना रहे हैं तो वो मशीन आती है साइड में, मैं उसका फ़ोटो दे रहा हूँ, उस मशीन से भी बना सकते हैं। और दुकानदारों के लिए देखिए, आप इस ट्रिक से बनाइए ताकि आपको सेव अच्छी बनेगी। तेल को नज़दीक रखें, जो जारा होता है ना उसको तेल के एकदम ऊपर रखें, ताकि सेव डायरेक्ट तेल के अंदर गिरते ही वो बनने तैयार हो जाए और कच्ची भी नहीं रहेगी। तो इस तरह से आपको सेव निकालनी है दोस्तों। और अभी हम इसको 5-6 सेकेंड या 30 सेकेंड तक हम इसको फ्राई करेंगे और चेक करेंगे कि ये ज़्यादा अगर नरम रहेगी तो इसको हम और फ्राई करेंगे। एक पीस को हाथ में उठाकर देखना है, अगर वो नॉर्मली तरीके से टूट जाता है तो समझिए कि हमारा जो भावनगरी सेव है वो एकदम बराबर बनकर रेडी हो चुका है। और वो समझिए लच्छेदार होता है तो इसको थोड़ी देर हमें और पकाना है। हल्का सा थोड़ा सा कड़क हो जाता है तो हमें इसको बाहर ले लेना है, ताकि हमारी सेव यानी कि बनकर रेडी हो गई है। एक पीस को हाथ में लेकर तोड़ कर देखना है दोस्तों। तो हमें यहाँ पर सेव बना रहे हैं पूरा, तो 10 किलो आटे का हम सेव बनाने में टाइम लगेगा ज़्यादा। तो हम ये एक बार हम आपको दिखा के वीडियो को एंड करेंगे, ताकि आपको पूरा रेसिपी समझ में आ जाए। मैं पूरा मेजरमेंट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रहा हूँ, ताकि आपको मुझे ज़्यादा मैसेज करके भी पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी और मुझे भी ज़्यादा जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं पूरा मेजरमेंट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, सेव हमारी बन गई है। हमने एक पीस तोड़कर देखा है, बराबर पक चुकी है। और यहाँ आप देख सकते हैं, पूरा 10 किलो का मैंने माल रेडी कर दिया है पूरा माल। तो दोस्तों, इस तरह से आपको सेव को बनाना है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे कॉल, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके भी पूछिए दोस्तों। मिलते हैं अगली हमारी नई वीडियो।